सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडे थी उनके पास, और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वहां आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? और यहां तो मैं जानता हूं इटावा में उनकी रिश्तेदारियां हैं, बहुत रिश्तेदारियां हैं इटावा में, और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी वाले लोग कि कितना विकास समाजवादियों ने कराया है। इसलिए जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे कहना आप खुद के पान खाना छोड़ दें, मुंह में भरा हुआ जो चीजें हैं वो छोड़ दें और कन्नौज के विकास में ध्यान दें।